गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू फिजिकल एजुकेशन चैप्टर थर्ड इन ओबेसिटी। इससे पहले कल की क्लास में हम आपको आसन के यूजफुल एग्जाम्पल बता चुके थे, जिसमें हमने बताया था कि कैसे अपने बॉडी को कैसे रखें फिट एंड फाइन, अपनी बॉडी कैसे रखते हैं फिट एंड फाइन कैसे रखते हैं, इसके बारे में बताए थे। इसके बारे में कुल आसन बताए थे, जिसमें थे स्टैंडिंग आसन, जो आसन खड़े होकर किए जाते थे, जैसे तड़ासन और चक्रासन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग आसन, जो हमारे क्या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग में जाते थे, जैसे भुजंग आसन हो गया, ट्विस्टिंग आसन जो हमारे ट्विस्ट बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, जैसे अर्धमत्स्य आसन, लिंग आसन लेट कर किए जाने वाले आसन, ये हमने चार आसन बताए थे। आज की क्लास में आपके है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स होता है क्या, मोटापा। इसके आपको ओबेसिटी के और प्रोसीजर बेनिफिट एंड कंट्रा इंडिकेशंस फॉर वज्रासन, हस्तासन एंड त्रिकोणासन एंड मत्स्य अर्धमत्स्य आसन आपको रीड कराएंगे आज। ओके थैंक यू, तो चलते हैं। व्हाट इज द ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा। मोटापा किस तरह से व्यक्ति में आ जाता है के बारे में अध्ययन करते हैं। इट इज ए फिजिकल कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज accumulated so much body fat that is might to have a negative effect on her his health। एक व्यक्ति के लिए नेगेटिव इफेक्ट होते हैं किसी फिजिकल हेल्थ में, वो है फैट। बॉडी फैट के द्वारा क्या है, हमारे व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, मोटापा आ जाता है, ये इसका मुख्य कारण होता है। ओबेसिटी हैज बिकम्स ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, जो हमारी ओबेसिटी है, मोटापा है, हमारे पूरे विश्व में कैसी हो गई है, एक प्रॉब्लम हो गई है, समस्या हो गई है। वर्ल्ड वाइड इट हैज मोर देन द डब्ल्ड सिंस 1980। ये पूरे विश्व में कब से, 1980 से हमारी क्या एक समस्या बन के आई है। द प्रॉब्लम विद ओबेसिटी इज दैट इज एक्सपोज द पर्सन टू पोटेंशियल सीरियस हेल्थ रिस्क। द प्रॉब्लम विद ओबेसिटी, जो व्यक्ति इस मोटापे का शिकार हो जाता है, इज दैट एक्सपोज द पर्सन टू पोटेंशियल सीरियस हेल्थ रिस्क। उसके क्या है, जो हेल्थ रिस्क में क्या है, उसको बहुत ही सीरियस हो जाता है। ओबेस पीपल आर ऑलवेज प्रोन टू सेवरल पोटेंशियल डिजीज सच एज अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, कैंसर, फ्लैट फुट, रेस्पिरेटरी डिजीज, लीवर प्रॉब्लम एंड डायबिटीज। जो हमारे क्या है, जो व्यक्ति ओबेज यानी कि मोटे मोटापे का शिकार हो जाते हैं, ऑलवेज प्रोन सेवरल पोटेंशियल डिजीज, वो हमारे सच विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे आर्थराइटिस हुआ, गठिया जिसे बोलते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, अर्थराइटिस, किसी जहाँ भी जोड़ होते हैं, जैसे कमर पैर के घुटने, ये हमारे क्या है, अर्थराइटिस डिजीज हो जाती है। हाइपरटेंशन, टेंशन हो जाती है व्यक्ति की, हाइपरटेंशन हो जाती है। कैंसर ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कैंसर हो जाता है। फ्लैट फुट आप जानते हैं, जो पैर जो होता क्या है, चपटा हो जाता है, जो
पैर के बीच में कोण होता है वो आपका कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है। पैर का कोण कैसा, फ्लैट फुट, फ्लैट फुट होता है। जैसे ये पैर है ना, ये पैर के बीच में गैप होता है, ऐसे होता है, ये आपकी उंगली हो जाती है नहीं, ये जो गैप हो जाता है फ्लैट फुट में, क्या ये खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता। फिर पैर कैसा हो जाता है, फ्लैट एकदम सपाट ऐसे, फ्लैट। इसमें बीच में जो गैप होता है, कोण होता है, वो क्या जाए खत्म हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, फ्लैट फुट, फ्लैट फुट डिजीज, फ्लैट फुट हो गया, फ्लैट फुट। रेस्पायरेटरी डिजीज, श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है, जैसे अस्थमा वगैरह, रेस्पायरेटरी डिजीज, लीवर प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित बीमारी हो जाती है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है, डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाता है। ये क्या है, हमारे क्या है, ओबेसिटी के द्वारा हो जाते हैं प्रोसीजर। इसको इसको मापने के लिए नेक्स्ट आगे चलिए, ये हाउ कैन वन नाउ इट सेल्फ सी ही जो बेच, हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये कोई व्यक्ति मोटा है। देयर आर दी मैनी बेज ऑफ दी एसर्टन दिस, इसको ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरीके हैं, बट द बेस्ट मेथड इज थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज। उसका बेस्ट मेथड है वो क्या है, फैट परसेंटेज, बॉडी फैट परसेंटेज है, बॉडी फैट परसेंटेज की कैलकुलेशन। इफ द बॉडी फैट परसेंटेज एक्सीड द रिक्वायरमेंट देन द पर्सन मे बी कंसीडर्ड ओबेज। व्यक्ति के बॉडी फैट के परसेंटेज को ज्ञात करने से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हम व्यक्ति कैसा ओबेज है, मोटापा है या नहीं है। एंड अदर मेथड इट यूज टू बॉडी मोट इंडेक्स विच कैन बी कैलकुलेट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। और दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है कि हम उसके बॉडी मास इंडेक्स को द्वारा, किसके द्वारा, बॉडी मास बीएमआई के द्वारा क्या है ज्ञात कर सकते हैं। बीएमआई इंडेक्स को फॉर्मूला होता है वेट इन किलोग्राम अपन हाइट इन मीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं वेट इन किलोग्राम हाइट इन टू हाइट, और जो यूनिट होती है किसके अंत में होती है, मीटर्स में होती है, ठीक है, ये होती है। ओके, ओबेसिटी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, एक ओबेसिटी के क्या कारण होते हैं, इसको फैक्टर्स को हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू क्लास।